कर रहे हैं एनसीसी की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक हमको साइडवेज ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 317.75 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जब रिजेक्शन के साथ गिरावट दिखा रहा था स्टॉक, हमने इस लो को यानी 308 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। यहाँ से खेल पलटता नज़र आ सकता है, ऐसा डिस्कशन इससे पहले वीडियोज़ में अपना हुआ था। और देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉक ने सेम सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। एक जंप आया, गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप के साथ हाई ब्रेकआउट होता नज़र आया। इसका जो लेवल था जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया, 320 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा बाउंस बैक करता है तो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है मेजर रेजिस्टेंस है, ऐसा हम डिस्कस किए थे 320 का लेवल। वहीं से रिजेक्शन लेकर गिरावट आई है, लेकिन बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही। स्टॉक अपने हाई के आसपास दिख रहा है, 320 के आसपास ही हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। यहाँ से गिरावट आती है तो 316 इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नीचे की ओर 308 मेजर सपोर्ट रहेगा और सबसे आखिरी सपोर्ट 300 का लेवल। लेकिन यहाँ से स्टॉक का खेल पलट सकता है, इस हाई को ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। क्यों ऐसा, इस हाई को क्यों ब्रेकआउट दे सकता है? क्योंकि देखो दोस्तों, जहां इससे पहले सपोर्ट लेकर स्टॉक ने जम दिखाया था, गिरावट आई तो उस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं किया, सेम लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि स्टॉक अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करता है तो वैसी कंडीशन में फिर रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के हाईली चांस बनते हैं। तो यहाँ से अब हमको अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। 320 के लेवल पर नज़र रहेगी, 320 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 330, और इसको ब्रेकआउट करके 340 तक का जंप, यहाँ तक के टारगेट एनसीसी अब हमको शॉर्ट टर्म में दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।